जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। पूरे देशवासियों के लिए ये बहुत ही कल हर्ष का पल रहा। लाखों लोग टीवी चैनल पे जुड़े हुए थे, उस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। हम सभी भी अपने मंडल में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी गासीपुरा गांव के मंदिर में हमने भी वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करके सभी को मिठाई खिलाई और वहाँ हम भी उस लाइव देखने के गवाह बने हैं। पूरे वर्ल्ड में भारत के वैज्ञानिकों ने जो नाम कमाया है उसके लिए उन सभी वैज्ञानिकों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा देश धन्यवाद करता है इस चीज़ के लिए। देखिए, बेहद गौरवशाली पल है भारत के लिए और आपने इसे स्वयं बताया है कि भारत पहला देश है जिसने साउथ पोल पर अपना चंद्रयान भेजा है और इससे न केवल विश्व पटल पर भारत की छवि उभरेगी, अंतरिक्ष में भी एक मील का पत्थर साबित होगा और चांद की स्टडी के लिए भी जो हमारे वैज्ञानिक बहुत सालों से प्रयत्नशील रहे हैं उनको भी सफलता मिलेगी और इसका लाभ केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व को इसका लाभ मिलेगा। अभी चंद्रयान 2 की जो असफलता थी उसको बहुत समय नहीं हुआ था, लेकिन उसके तुरंत बाद मोदी जी वहाँ स्वयं गए, वैज्ञानिकों को भी सराहा, उनका उत्साहवर्धन किया और उनको दोबारा बजट अलॉट किया और दोबारा उनकी मोदी जी की प्रेरणा से हमारे साइंटिस्टों ने वो कमाल करके दिखाया है जिसके लिए भारत जाना जाता है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम को दिल से और पूरे विधानसभा पाणा विधानसभा की तरफ से उनको बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। देश में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ है जिसकी जितनी खुशी और प्रशंसा जितनी लोगों के दिल में है और वो जी हर तरह से नाच के कूद के मिठाई बांटकर उस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं उतना ही कम है। इसका सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को जाता है। ऐसा है, इस समय भारत का हर व्यक्ति अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा है और वो अपने बच्चों को भी जब बता रहा है कि आज हम उस कंट्री के वासी हैं जहाँ के वैज्ञानिकों ने साउथ पोल पे तो फर्स्ट टाइम किसी कंट्री ने अपना चंद्रयान लॉन्च किया है और जिस तरह से अभी आपने बताया कि वैसे पूरे विश्व में हम चौथी कंट्री हैं जिसने चंद्रयान को मतलब लैंड किया चंद्रमा पर, तो ये बहुत हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कल हम ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। लगभग 15-16 साल से हमारे जो वैज्ञानिक बहुत ही अटूट मेहनत कर रहे थे, इतनी मेहनत के बाद अब उनको सफलता मिली और वो भी विशेष तौर पर साउथ पोल पर, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले हिंदुस्तान साउथ पोल पर पहुंचा है चंद्रमा पर। और ये मौका भी देखिए, राखी का मौका है और हम तो शुरू से कहते हैं चंदा मामा, तो चंदा मामा के पास धरती की राखी विक्रम के रूप में पहुंची। ये पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है और हमें अपने वैज्ञानिकों पर बहुत गर्व है जिन्होंने एक से एक, चाहे वो मंगलयान है चाहे चंद्रयान की जितने भी अटैम्प्ट हुए, पिछले अटैम्प्ट में थोड़ी सी बस कमी रही थी वरना तो वो भी हमारा बड़ा सफल इवेंट था। और ये जो शुरुआत हुई है इसे आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हिंदुस्तान ने भी अपने जो वैज्ञानिक हैं
या अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको चंद्रमा पर भेजेंगे और बहुत सारी ऐतिहासिक सफलताएं और प्राप्त करनी है।